आज के इस वीडियो में हम YouTube मैनोमीटर पे बात करेंगे। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम दो गैसेस सिस्टम्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उससे पहले तो चलिए देखते हैं ये जो YouTube मैनोमीटर है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहां पर आप गौर करें कि ये एक YouTube मैनोमीटर है, यहां पर दो ओपनिंग्स हैं, ये एक ओपनिंग और ये दूसरा ओपनिंग। इसके अंदर यहां पर एक यू ट्यूब रहता है, एक यू शेप का एक ट्यूब रहता है। इस ट्यूब के अंदर होता है लिक्विड। अगर हमें बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना होता है तो इसके अंदर का जो लिक्विड होता है उस लिक्विड का डेंसिटी जो है वो डेंसिटी हम कम चूज करते हैं, मतलब कम डेंसिटी वाला लिक्विड चूज करते हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है देन उसका जो डेंसिटी, जिस लिक्विड को चूज करते हैं उसका डेंसिटी काफी ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं इसे हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं चलिए एक बार फिर से इसे ड्रॉ कर लेता हूं। यूट्यूब, ये रहा वो यूट्यूब, लेफ्ट हैंड साइड वाला आर्म और ये राइट हैंड साइड वाला आर्म, और इसके अंदर लिक्विड होगा। सो यहां तक, चलिए मान लेते हैं यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। सो ये इस पार्ट में लिक्विड भरा हुआ है। अब दो सिस्टम्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस हम पता करेंगे वो दो सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। ये एक कंटेनर है जिस कंटेनर में गैस है, इस कंटेनर में गैस है और यहां से है इसका ओपनिंग। चलिए इसे हम अभी फिलहाल क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर P1 प्रेशर का गैस है। अब इसी तरह का एक और सिस्टम, यहां भी गैस है, इसके अंदर भी, यहां पर जो प्रेशर है ये P2 है। ये दोनों जो प्रेशर है इन दोनों के बीच का डिफरेंस को ही हमें पता करना है। हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले तो इस को ऐसे जोड़ देंगे हम एक पाइप से, इस साइड के साथ हमने पाइप से जोड़ दिया, और फिर उसी तरह से यहां भी हम इसे भी ऐसे ही जोड़ देंगे पाइप से, कुछ ऐसे हमने पाइप से इसे जोड़ दिया। फिर हम इसे कर देंगे ओपन, खोल देंगे। खोल देने से होगा ये कि ये जो प्रेशर यहां पर एग्जिस्ट कर रहा था, ये P1 प्रेशर, ये अब यहां पर ये अप्लाई होगा P1 और ये P2 प्रेशर यहां पर अप्लाई होगा। चलिए हम ये मान लेते हैं कि P1 P2 से बड़ा है, P1 इज ग्रेटर देन P2। अब कॉमन सेंस लगाएं और सोचे क्या होगा इस लिक्विड में। P1 ज्यादा मतलब यहां पर प्रेशर नीचे की तरफ, प्रेशर ज्यादा, और P2 कम, यहां नीचे की तरफ प्रेशर कम, तो ये जो लिक्विड है ये किस तरह से डिस्प्लेस्ड होगा। कुछ देर सोचे, वीडियो को पॉज करके सोच लिया आपने, तो ये P1 ज्यादा होने के कारण इधर वाला जो कॉलम है ये नीचे की तरफ जाएगा और ये जो लिक्विड कॉलम है ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा कि ये थोड़ा नीचे आ गया और ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। सो ये यहां तक आ गया नीचे तक और ये ऊपर तक आ गया, कुछ ऐसे। यहां पर देखिए लिक्विड कॉलम में, दो साइड के लिक्विड कॉलम में एक डिफरेंस है। चलिए वो जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस, जो हाइट में डिफरेंस है वो डिफरेंस हम कंसिडर कर लेते हैं। दैट डिफरेंस इज एच। अब देखिए जैसे कि हमने बात किया कि यहां पर प्रेशर अप्लाई होगा P1 और यहां पर प्रेशर अप्लाई होगा P2। अब जैसे कि हमें पता है कि एक कन्फाइंड लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम होता है, मतलब हम कह सकते हैं यहां इस सरफेस में जितना प्रेशर होगा
उतना ही प्रेशर होगा इस जगह पे, इस लेवल पे। अब यहां तो हमें पता है प्रेशर P1 होगा, लेकिन यहां पर प्रेशर कितना होगा? दोनों को बराबर होना तो सबसे पहले तो हमें पता होना होगा यहां पर प्रेशर कितना होगा। तो उसके लिए देखिए, यहां इस जगह पे प्रेशर अप्लाई हो रहा P2, और यहां पर लिक्विड का एक कॉलम है, तो इस लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होगा वो भी इस जगह पे अप्लाई होगा। मतलब इस जगह पे, इस लेवल पे जो प्रेशर होगा वो होगा इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर प्लस P2। तो भाई अब इस लिक्विड कॉलम में प्रेशर कितना होगा, उसके कारण प्रेशर कितना होगा इस जगह पे, वो होगा हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, यहां से ऊपर लिक्विड कॉलम का जो हाइट है h, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड का जो डेंसिटी है, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर हम कह सकते हैं इस जगह पे, यहां पे जो प्रेशर होगा, इस जगह पे जो प्रेशर होगा ये होगा P2 प्लस एच रो जी, और इस जगह पे जैसा कि हमने बात किया प्रेशर होगा P1, इस P1 को इसके बराबर होना है, तो P1 शुड बी इक्वल टू P2 प्लस एच रो जी। तो यहां से हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एच रो जी। देखिए ये P1 माइनस P2 है क्या, ये P1 माइनस P2 ही है दोनों सिस्टम के बीच का प्रेशर का डिफरेंस। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है ये होता है ये जो दो साइड में लिक्विड कॉलम्स है इनके हाइट में जो डिफरेंस है h, इंटू जो लिक्विड यूज किया जा रहा है उसका डेंसिटी, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो। सो ये बताएगा दोनों सिस्टम्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना है। इसी तरह से हम गेज प्रेशर भी पता कर सकते हैं। मान ले हमारे पास सिर्फ एक सिस्टम है, ये सिस्टम है, सिर्फ ये सिस्टम है, ये नहीं है, इस सिस्टम का हम गेज प्रेशर पता करना चाहते हैं। हमें पता है कि गेज प्रेशर जो होता है, दैट गेज प्रेशर इज अगर इसका प्रेशर हम पी कंसिडर करें, अभी चलिए पी अगर कंसिडर करते हैं, और ये सिस्टम अगर नहीं होता है तो फिर जो सिंगल सिस्टम है उसके लिए जो गेज प्रेशर होगा वो क्या होना चाहिए। जो गेज प्रेशर होगा, हमें पता है गेज प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा पी, इस सिस्टम का प्रेशर पी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर को भी हम मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही सिस्टम है, इधर हम रखेंगे ओपन, खुला रखेंगे। जब हम इसे ओपन रखेंगे तो होगा क्या, तो यहां पर जो प्रेशर अप्लाई होगा, अब वो प्रेशर किसके बराबर होगा, ये वाला प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वो प्रेशर जो है ये अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अब इस जगह पे जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, और इस साइड का प्रेशर है पी, तो मैं यहां से 1 हटा देता हूं, ये 1 मैं हटा देता हूं। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं, पिछले केस की तरह ही हम इक्वेशन बनाएंगे, ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो अब यहां से हम कहेंगे पी माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। पिछले केस की तरह ही हम एच रो जी वाला जो एक्सप्रेशन है उसे यूज करते हुए हम एक सिस्टम का, एक गैसेस सिस्टम का गेज प्रेशर पता कर सकते हैं। तो इससे हम प्रेशर डिफरेंस पता कर सकते हैं और इससे हम गेज प्रेशर पता कर सकते हैं। तो ये था यूट्यूब मैनोमीटर को हम किस तरह से यूज करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका वर्किंग कैसा है। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।